थैंक यू सो मच. मैं मेंशन कर दूंगी जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया था. वेलकम बैक टू माई चैनल. नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे. एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी मीशो रैंडम हॉल पार्ट टू. सो इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ एंड आप लोग ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था. सो आई एम बैक अगेन विद पार्ट टू ऑफ इट. सो इसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स अंडर 500 ही रखे हुए हैं एंड इसमें मैंने होम डेकोर, किचन फाइंड्स एंड कुछ हेयर एंड देयर जो काम की चीज़ें होती हैं, ब्यूटी से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, सो सब कुछ मैंने देख के ये वीडियो बनाया है. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ऑनेस्ट वीडियो. मुझे कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे, कुछ अच्छे रिसीव नहीं हुए, एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू गाइज आर शोइंग. बहुत अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन थोड़ी सी मिलती है. दैट्स लाइक जैसे पेरेंट्स नहीं ऐसे टैप कर देते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. वेरी सून इट विल बी 1000 सब्सक्राइबर्स. बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब खुशी मेरी निकल के आ रही है क्योंकि इट्स लाइक आप जब मेहनत करते हैं ना, आपको रिस्पॉन्स उस तरह का मिलता है तो सब कुछ वर्थ लगता है. तो येस, दैट बीइंग सेड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू हैव एनी रिक्वेस्ट, एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू इट फॉर यू. ऑल्सो मैं अपना इंस्टाग्राम चैनल मैंशन कर दूंगी, तो अगर आपको फॉर इंस्टेंस लिंक डायरेक्ट चाहिए होंगे आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम. मैं बहुत सारी रील्स वहाँ पर भी पोस्ट करती रहती हूँ. सो येस, दैट बीइंग सेड, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट. Alright, so the first item is going to be the silicone folding water cup. Now, इसका use usually तब होता है कहीं travel कर रहे हो, किसी काम से जा रहे हो या for that matter office जा रहे हैं, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है because ये foldable है. ये bag में रखने के लिए एकदम perfect है. इसको ऐसे cap लगा लिया and you're good to go. That's it. सो अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं एंड यूजुअली ऐसा होता है एक अपना ग्लास ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो मैं इसको रखने वाली हूँ. तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही काम का प्रोडक्ट होने वाला है एंड प्राइस पॉइंट से आई पेड 148 रुपीज़ फॉर दिस. तो प्राइस तो वैसे ऊपर नीचे होता रहता है. आई थिंक अभी जब मैंने चेक किया था मीशो पे तो इट इज़ फॉर 130 और समथिंग लाइक दैट. सो प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है. तो ये मुझे काफ़ी काम का प्रोडक्ट लगा. अगर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपने आराम से इसको निकाला, ओपन किया एंड यू आर गुड टू गो. सो यस, मेरी तरफ से इट्स अ 515 प्रोडक्ट फॉर मी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट आइटम जो मैंने मंगाया है वो मैंने अपने सनग्लासेस के लिए मंगाया है बेसिकली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इधर उधर रख के ना वो खो जाते हैं. तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिल गया मीशो पे एंड इसमें 5 कंपार्टमेंट्स हैं, तो आप इजीली इसमें अपने सनग्लासेस को रख सकते हैं एंड इसमें ये हैंग करने का ऑप्शन भी है. तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड कलर वगैरह भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, फिनिशिंग भी अच्छी है. प्राइस पॉइंट से आई पेड 340 रुपीज़ फॉर दिस एंड ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी एंड एवरीथिंग. आप इसको नॉर्मली ऐसे फोल्ड करके रख सकते हैं. सो येस, दिस इज़ द सेकेंड आइटम. सनग्लासेस रखने हैं या आपको अपने नॉर्मल स्पेक्स रखने हैं, कुछ भी रखने के लिए ये काफ़ी अच्छा और यूजफुल आइटम है. सो आई विल गिव इट 4/5. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. ओके, नेक्स्ट आइटम से मैं टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई. नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट मुझे इसकी ना क्वालिटी नहीं अच्छी लगी. मुझे थोड़ी सी चीप क्वालिटी लगी ये. ऑल्दो इसमें 5 बॉक्सेस आ जाते हैं, सो इफ़ इन केस आपको अपना थोड़ा मोड़ा जो भी सामान रखना है, आप ऑफकोर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं. एंड ओवरऑल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसकी फिनिशिंग वगैरह सही है, बट मुझे इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगी इसकी डिज़ाइन. बट ये अगर स्टोरिंग पर्पज़ से बात करूँ मैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. इसमें आप छोटे मोटे अपने ज्वेलरी का सामान रख सकते हो या फिर बैंगल्स वगैरह हैं, कुछ भी रखने के लिए. बिकॉज ये धीरे धीरे करके यू कैन सी काफ़ी स्टोरिंग कैपेसिटी इसकी एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है. सो दैट्स हाउ इट इज़. एंड प्राइस पॉइंट से आई पेड जस्ट 183 रुपीज़. सो प्राइस पॉइंट से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. बट येस, एंड इसमें कुछ और भी डिज़ाइन अवेलेबल हैं, मैं मैंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक दिस प्रोडक्ट यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन. आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट 2.5.
क्योंकि मुझे डिज़ाइन इतना इसका अच्छा नहीं लगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. ओके, नेक्स्ट मैंने जो मंगाया है वो किचन के हिसाब से मैंने मंगाया है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिल गया है. आई विल जस्ट शो यू. ये सेट ऑफ 7 में मुझे रिसीव हुआ है एंड इनका टेक्स्चर जो है वो वुडन है. सो घर पे यूजुअली स्टील वाले होते हैं बट मैं एक्चुअली फाइबर का पहले सोच रही थी बट देन मैंने इनको देखा तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे. क्वालिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है. ट्रस्ट मी, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है. फिनिशिंग बहुत अच्छी है एंड ये हर तरीके के सामान को बनाने में यूज़ हो सकते हैं तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड प्राइस पॉइंट से आई पेड जस्ट 153 rupees फॉर दिस. संभल ही नहीं रहे हैं. प्राइस पॉइंट से आई जस्ट पेड 153 rupees एंड मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड डील एंड आई विल गिव इट 515. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है ये वैसे देखने में काफ़ी एक ऑर्डिनरी टेप सा है बट इट्स अ मैजिकल टेप. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टेप इज़ कि इसको अगर हम अपनी वॉल पे यूज़ करेंगे हमारी वॉल ख़राब नहीं होगी. यूजुअली जैसे पेंटिंग्स वगैरह लगाने के लिए हम जो टेप यूज़ करते हैं डबल साइडेड या कोई भी टेप हो तो जब उसको निकालते हैं तो वॉल हैम्पर हो जाती है उससे. तो मैंने इस वजह से इस टेप को मंगाया है. काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इसके एंड इसको आप स्टेशनरी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो या आपको कोई सॉकेट लगाना हो या फिर इन जनरल वॉल पे भी हो. क्वालिटी मुझे इसकी टॉप नॉच लगी. ऑल्दो फोटो में थोड़ा सा बड़ा मुझे लगा था, शायद ये थोड़ा सा बड़ा होगा बट रिसीव मुझे ये साइज़ हुआ है विच इज़ आई थिंक फाइन. बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड प्राइस पॉइंट से आई पेड 153 rupees फॉर दिस. सो प्राइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा. आई मीन 100 rupees तक तो मुझे लगता है कि सही था इसका बट येस यूजफुल ये होने वाला है एंड मैंने इसे अपनी वॉल पे एक पेंटिंग भी स्टिक करी थी तो अभी तक इट्स गोइंग ऑल फाइन. आई विल गिव इट 4 बिकॉज आई थिंक ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट होने वाला है. एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अप मैंने किचन के लिए मंगाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है. आई विल जस्ट शो यू सिलिकन लिड्स. ये पैक ऑफ 6 में मुझे चीज हुए हैं. थोड़ी सी इनकी हालत ख़राब है. सो ये ऐसे पैक ऑफ 6 में मुझे रिसीव हुए हैं. बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट हैं. आपको कुछ भी अगर किचन में अपने रखना है, फ्रिज में रखने के लिए होता है तो काफ़ी बार ऐसा डर होता है कि कुछ गिर ना जाए. अगर फॉर एग्जाम्पल हम दाल रख रहे हैं या फिर सब्जी रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं तो ऐसा रहता है कि ये गिर ना जाए. बट विद दिस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है बिकॉज ये हर साइज़ में एक तो अवेलेबल है. मुझे ये पैक ऑफ 6 में रिसीव हुआ है एंड अलग अलग साइजेस भी हैं इसमें तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है क्योंकि अब मुझे एटलीस्ट ये चिंता नहीं है कि मेरे फ्रिज से सामान इधर उधर गिर जाएगा. तो प्राइस पॉइंट से आई पेड 176 फॉर दिस एंड मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट एंड आई विल गिव इट 6 out of 5 बिकॉज मुझे अभी इस बात की टेंशन नहीं है कि मेरे फ्रिज में सामान इधर उधर गिर जाएगा या फैल जाएगा. तो यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट आइटम मैंने मंगाया है ट्रैवल के हिसाब से क्योंकि इधर उधर जाते रहते हैं. तो ये मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स मंगाया है. ये है ज्वेलरी बॉक्स एंड ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है. यूजुअली ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, अगर हमें यहाँ पे इयररिंग्स लगानी है, इयररिंग्स रखनी है तो ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होने वाली है. एंड क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी, फिनिशिंग भी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है इस बात पे. और ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट होने वाला है. प्राइस पॉइंट से आई पेड 158 rupees फॉर दिस. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये सूटकेस में ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा, फॉर दैट मैटर बैग में भी ज़्यादा जगह नहीं लेगा. अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपको कहीं भी यूज के लिए रखना है, ज्वेलरी इधर उधर बैग में फैल जाती है. एंड आई विल गिव इट 5 out of 5. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अप मैंने मंगाए हैं ये बहुत ही सुंदर से वाइट कलर के बुद्धा. क्वालिटी इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, कोई डैमेज प्रोडक्ट मुझे रिसीव नहीं हुआ है एंड साइज़ भी अच्छा है मेरे हाथ के जितना साइज़ है इसका. तो ये डेकोरेशन पर्पज़ से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड प्राइस पॉइंट से आई जस्ट पेड 138 rupees फॉर दिस. सो प्राइस भी मुझे अच्छा लगा एंड प्लस मुझे इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी. ये डेकोरेशन के लिए आप कहीं भी अपने ड्राॅइंग रूम में या फिर अपने लिविंग रूम में कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं. ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक वाइब देगा. तो ऑल्दो मैं इसको अपने गार्डन में रखने वाली हूँ, प्लांटर्स का जो सेट होता है ना वहाँ पे रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है. तो येस, यू कैन यूज़ इट एज यू लाइक. और प्राइस पॉइंट भी मुझे अच्छा लगा. आई मीन 138 rupees फॉर दिस बिग साइज, आई एम ओके विद इट. सो आई विल डेफिनेटली गिव इट 4 out of 5. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट अब मैंने मंगाया है
एक और डेकोर का आइटम, बट टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई, थोड़ा नहीं वैसे काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई. मैंने ये आउल का स्टैचू मंगाया था, ये जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बट मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने ये तो डैमेज्ड प्रोडक्ट भेज दिया. अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, ये ऐसे पूरी लाइन हो रखी है. सी सो ये मुझे डैमेज्ड मिला है, प्लस इसकी आईज़ के पास ही कुछ तो है. तो वैसे प्रोडक्ट अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रोडक्ट है, डेकोरेशन के हिसाब से इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, बट बिकॉज आई रिसीव्ड इट डैमेज्ड, मैं इसको एक्सचेंज में डालूंगी. विल ट्राई, मैं एक बार एक्सचेंज करके देखूंगी, अगर वो अच्छा रहा तो आई विल कीप इट, और एल्स मैं इसको रिटर्न कर दूंगी. तो आई एम हियर टू गिव वेरी ऑनेस्ट रिव्यूज, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्ट लिया है तो अच्छा ही बोलना है. इस केस में मैं डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि मुझे इन्होंने ये डैमेज प्रोडक्ट दे दिया, प्लस इसकी आईज के पास भी अच्छे से नहीं किया इन्होंने. तो यस, साइज वाइज ये अच्छा है, मतलब इट्स एज बिग एज माई हैंड, एंड प्राइस पॉइंट से आई पेड 233 रुपीज फॉर दिस. सो यस, बिकॉज आई डिड नॉट रिसीव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, आई विल गिव इट 2 out of 5. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. ओके, नेक्स्ट मैंने लिया है अपने बेडरूम के लिए. दिस इज डेकोरेशन के 16 लैम्प्स डायमंड स्ट्रिंग लाइट्स. ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइट्स हैं. मैंने इसको स्टार्ट करके भी देखा था. तो ये डेकोरेशन पर्पज से आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. मैं इसको अपने कर्टन्स में लगाऊंगी बिकॉज रात में जैसे कभी ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए होती है, उस पर्पज से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. प्लस इसका शेप बहुत अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा डिफरेंट शेप है. एंड प्राइस पॉइंट से आई पे 240 रुपीज फॉर दिस. सो इट इज़ फाइन, आई मीन अगर आपको अपने घर के पास से कहीं कम में मिल जाता है तो यू कैन हैव इट, और एल्स मुझे ये सही लगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं लगी. प्लस इसमें 16 लैम्प्स हैं तो दैट इज़ फाइन फॉर मी. सो येस, आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट 4 out of 5. येस, नाउ नेक्स्ट आइटम जो होने वाला है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, एंड मैं आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट आइटम. ये इतना ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रहा था. ये बेसिकली कटलरी होल्डर है. इसमें 2 कंपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं. सो ये किचन में या फिर आपके डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है. आई मीन जस्ट लुक एट द फिनिश, ये ग्लॉसी फिनिश पे है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. आपको अपना कोई भी कटलरी का सामान रखना हो तो ये ऑफकोर्स खूबसूरती बढ़ा देगा. प्राइस पॉइंट से आई पेड 216 रुपीज़ फॉर दिस. इसमें एक और कलर ऑप्शन अवेलेबल था, आई थिंक इट वॉज इन पिंक कलर. तो येस, मुझे ही ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा ब्राइट सा लगा कलर, तो मैंने ये मंगा लिया. एंड आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट 6 out of 5 बिकॉज टू बी ऑनेस्ट कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें. ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट है. सो येस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. सो नेक्स्ट आइटम जो मैंने मंगाया है वो मैंने लिया है ये बहुत ही सुंदर सी फुल पिंटरेस्टी वाइब देने वाली, ये हार्ट शेप में मैंने सर्विंग बोल मंगाया है. तो मटेरियल इनका प्लास्टिक है बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. अगर आप कुछ भी सर्व करना हो इसमें, गेस्ट आते हैं या फिर इन जनरल आपको कुछ भी लेना हो, तो नॉर्मल प्लेट्स की जगह पे ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. टोटल मुझे 5 का सेट में ये रिसीव हुई है एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, टॉप नॉच क्वालिटी है एंड कोई डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है ये. सो येस, प्राइस पॉइंट से आई पेड 200 रुपीज़ फॉर दिस एंड मुझे अच्छा लगा, मुझे 5 प्लेट्स रिसीव हो गई तो इट इज़ नाइस. अगर आप बाहर भी लेने जाओगे तो यू विल पे एटलीस्ट 200-300 रुपीज़ फॉर दिस. तो येस, कलर वाइज मुझे अच्छा लगा. इसमें और कलर्स भी अवेलेबल हैं, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी. एंड आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट 5 out of 5. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. सो नेक्स्ट आइटम जो मैंने मंगाया है ये मैंने मैट्रेस लिफ्टर मंगाया है. ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि जैसे जब भी बेडशीट बदलना होता है ना तो वो थोड़ा टास्क हो जाता है, बेडशीट पकड़ के रखो, मैट्रेस उठाओ, ये वो. तो ये प्रोडक्ट काफ़ी काम का है एंड मुझे ये अच्छा लगा प्रोडक्ट. प्राइस पॉइंट से आई पेड जस्ट 130 रुपीज़ फॉर दिस. तो मैंने अभी देखा मेरी नेल पेंट थोड़ी सी मैच करे इससे, बट ब्लू इज़ एवरीवेयर. मेरे काफ़ी चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट्स, नेल पेंट, क्लोथ, सब कुछ काफ़ी ब्लू हो रखे हैं. सो येस, मुझे ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा. इसको नॉर्मली अपने मैट्रेस में नीचे लगा के आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन डू ऑल योर वर्क. प्राइस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो मेरे हिसाब से दिस विल बी 5 out of 5 प्रोडक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. नेक्स्ट मैंने जो मंगाया है वो है ये वाटर प्रूफ टिफिन बैग. इसमें 2 कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे पर मुझे ये वाला अच्छा लगा, ब्लैक मैट फिनिश में है. एंड इसके कंपार्टमेंट्स टोटल 2 कंपार्टमेंट हैं.
तो स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है, प्लस इसमें इन्होंने ये दे रखा, साइड में शोल्डर में इसको लगाना है तो इसके साथ इन्होंने ये दे रखा है, और एल्स नॉर्मल आप इसको यहाँ से कैरी कर सकते हैं इसको पकड़ के। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा इसमें, 2 ईयर्स ऑफ वारंटी का भी इन्होंने बोला है, नॉट श्योर अभी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया है सो दैट आई डोंट नो, बट मैंने इसका वाटर वाला टेस्ट किया था तो येस इट इज़ अ वाटर प्रूफ। नॉर्मल अगर आप डेली टिफिन बैग वगैरह ले जाते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, रादर देन नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं बैग, उसके मुकाबले मुझे अच्छा लगा। इसमें आप यहाँ पे स्पून वगैरह रख सकते हैं एंड छोटे मोटे सामान इधर एंड मेजर सामान टिफिन वगैरह इधर रख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, और ऐसा कोई चीप क्वालिटी मटेरियल भी इसमें नहीं यूज़ हुआ है, मटेरियल इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। वारंटी का मुझे पता नहीं, अभी मैंने वो ट्राई नहीं किया है, अगर हो जाती है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। प्राइस पॉइंट आई पे 448 रुपीज़ फॉर दिस, सो या इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट फॉर मी। सो येस, अगर आप एक अच्छा क्वालिटी का टिफिन बैग देख रहे हैं आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, ग्लॉसी फिनिश में ये है एंड येस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम जो होने वाला है वो है ये पेयर ऑफ स्वान, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में मुझे ये स्वान का पेयर रिसीव हुआ है। अगर आपको डेकोरेशन पर्पज से यूज़ करना है ये आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, और अच्छा खासा साइज़ है इसका और फिनिशिंग वगैरह भी अच्छी है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया गया है, ये आप अपनी डेकोरेशन के हिसाब से इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। प्राइस पॉइंट से आई पेड 380 रुपीज़ फॉर दिस एंड गिवन द साइज एंड द क्वालिटी मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, सो मैं इसको डेफिनेटली रखूँगी। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना। ऑल्सो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जस्ट मोटिवेट मी टू वर्क मोर एंड मोर एंड ब्रिंग मोर वीडियोज फॉर यू। सो येस, मूविंग ऑन टू द लास्ट आइटम ऑफ दिस फोल्डर। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो बेस्ट आइटम होता है मैं यूजुअली हमेशा लास्ट के लिए रखती हूँ। सो नेक्स्ट टिप है ये बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी बास्केट विथ कॉपर प्लेटेड 2 जार्स। आप इसकी एक बार क्वालिटी देखो, ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल रिसीव हुआ था, जैसे मैंने पैकेट खोला था लाइक वाओ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है। इसमें आप कुछ भी अपने ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं या आपको कुछ भी नाश्ते का सामान रखना हो आप वो रख सकते हैं, और अच्छी बात यह कि इसकी बास्केट को आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा प्रोडक्ट लगा, मैं इसको श्योरली रखने वाली हूँ एंड आई विल रिकमेंड यू गाइज ऑल्सो टू हैव इट। डेकोरेशन के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आई मीन आप इसमें नॉर्मल स्नैक्स रख सकते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, या फिर लाइक आई टोल्ड यू बास्केट को अलग तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स वगैरह रख के डेकोरेट कर सकते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ बास्केट है एंड प्राइस पॉइंट से आई पेड 520 रुपीज़ फॉर दिस, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे फिनिशिंग बहुत अच्छी लगी एंड ये कॉपर में अवेलेबल है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एट दिस प्राइस मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिल गया। तो येस, दिस इज द लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल। Alright, so with this we are done with the haul and मुझे जितने भी अच्छे products लगे मीशो पे I thought of ordering them and reviewing it for you so that आप एक बार देख लो and then अगर आपको सही लगता है तो आप products को ले सकते हो। Link पर description में mention कर दूंगी सारे products का, आप please उसको checkout करेगा and there is going to be a sale coming on 20th एंड 21st of July ऑन मीशो, जिसपे आपको काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स के डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड मैंने सारे प्रोडक्ट्स मेंशन कर दिए हैं तो आप एक बार जरूर उसको चेकआउट करिएगा। ऑल्सो प्लीज लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इफ़ यू हैव एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर प्लीज मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। मैं हमेशा सबके कॉमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट इन माई लास्ट वीडियो समवन कॉमेंटेड दैट यू नो आई अंडरस्टैंड दैट इट टेक्स अ लॉट एंड आई वी वॉन्ट यू टू ग्रो, वी वॉन्ट मोर आउट ऑफ यू। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बाकी के लिए इट्स जस्ट अ कॉमेंट बट फॉर मी इट वॉज सच अ मोटिवेटिंग थिंग टू सी द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। सो येस, थैंक यू सो मच। मैं मैंशन कर दूंगी जिन्होंने भी मुझे कॉमेंट किया था एंड थैंक यू सो मच, means a lot and yes, till then please stay tuned for more videos। मैं reels वगैरह post करती रहती हूँ Instagram पे and YouTube पे, मैं try करती हूँ कि मैं everyday shorts को upload करूँ, तो please don't forget to hit that subscribe button and वो bell icon पे आप press कर देना so that जब भी मैं videos डालूँ आपको notification आ जाए। That being said, thank you so much for your time, please take care of yourself and I will see you next week, till then bye।